Hello dear students, I welcome you on my channel. The name of my channel is Mathematics with Sir Daud. मैं आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने सिलेबस दिया है उसकी तमाम एक्सरसाइजेस के तमाम क्वेश्चंस करवाता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जो आपने पहले मेरी लेसन्स अटेंड किए हैं ज़रूर आपको उन क्वेश्चंस की समझ आई होगी, सॉल्यूशंस आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 2। अभी हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम करेंगे। Chapter number 2, exercise 2.1, question number 1 और उसका second part। So students, हमने find करना है discriminant of the given quadratic equations, यानी जो quadratic equations हमें दी जाती हैं, हमने उनका discriminant find करना है। Let's learn, हम देखते हैं कि इसका discriminant, जो question number 1 का part 2 है, इसका discriminant हम कैसे find करते हैं। Students, यहाँ पर हम लिखेंगे question number 1 का part 2 और ये कुछ इस तरह से है, 6x² - 8x और +3 = 0। जी, ये जो quadratic equation है students, इसका हमने find करना है discriminant। जैसा कि आप formula, जो quadratic formula है वो जानते हैं, x = -b ± √b² - 4ac/2a। स्टूडेंट्स, हमने इस फॉर्मूले में से इसका कुछ पार्ट हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए यूज करना है। इस पूरे फॉर्मूले को हम यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कि डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का, वो हमें कहां से मिलता है। तो जो ये अंडर रूट वाले टर्म है, इसके अंदर b² - 4ac लिखा है, इसमें से या इसको यूज करते हुए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। So, इस क्वेश्चन का हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। पहले हम इसमें से जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज चाहिए ए, बी और सी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम ए और बी की वैल्यूज लिखेंगे। जैसा कि आपको पहले भी मैंने समझाया है के ए और बी और सी की वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम कैसे निकालते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x² का जो कोफिशिएंट है उसका जो कोफिशिएंट 6 है, यानी 6 जो उसका नंबर है उसके साथ लिखा है, वो वैल्यू ऑफ a होती है, और कोफिशिएंट ऑफ x यानी -8 b की वैल्यू है, और इसी तरह से द कांस्टेंट नंबर 3 इज द वैल्यू ऑफ सी। जी, इन वैल्यूज को यूज करते हुए हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। हम यहां पर डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, डिस्क। ये डिस्क वो वाली डिस्क नहीं है
जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म है, DISC, यहां तक इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने लिखी है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको अंडर रूट में लिखी हुई टर्म बताई है वो यूज करेंगे, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी, इसमें हमने वैल्यूज को पुट करना है, बी की वैल्यू है -8, फिर -4 इंटू ए इंटू सी, ए की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है 3। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। जी, स्क्वायर ऑफ -8 इज 8 8 जा 64, और जब हम माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 64 के साथ माइनस नहीं आएगा बल्कि इसका साइन प्लस है, माइनस। अब ये तीनों टर्म्स 4 × 6 × 3 तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम 4 6 करें तो 4 6 होता है 24, और 24 3 कितना होता है 3 4 12, 3 2 6 वन कैरी, और ये होगा 72। जी स्टूडेंट्स, हम बहुत करीब हैं आंसर के, डिस्क्रिमिनेंट निकलने के बिल्कुल करीब हैं, क्योंकि यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए यहां पर हम इक्वल साइन लिखेंगे और आंसर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। 72 में से माइनस करेंगे 64। जी, 72 में से जब हम 64 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 12 - 4 = 8 एंड 6 - 6 = nothing, सो द आंसर विल बी -8। आंसर -8 क्यों आएगा स्टूडेंट्स, आप ये बेसिक बात है, आप जानते हैं द नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है इन दोनों में से, उसका जो साइन है वही आंसर के साइन के साथ साइन आता है। सो हियर इज द आंसर, ये हमारा आंसर है, ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास -8 आया है। अब मैं आपके लिए करूंगा क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट जो है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4x² या इसका जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फोर्थ पार्ट। अब यहां पर हम लिख देंगे फोर्थ पार्ट, 4x² - 7x - 2 = 0। जी स्टूडेंट्स, यहां पर उसी तरह से जैसे हमने सेकंड पार्ट में किया है, इसी तरह से वैल्यू ऑफ ए विल बी 4, वैल्यू ऑफ बी विल बी -7 और वैल्यू ऑफ सी इज -2। सो इनको हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉर्मूला, बी की जगह पर आ जाएगा -7² - 4 × a × c, ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है हमारे पास -2। सो इसको सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 49, 7 7 49, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 और 16 2 16
16 टू सा कितना होगा 32। अब यहां पर साइन माइनस आएगा या प्लस आएगा ये हमने देखना है। अगर इनके साथ किसी एक नंबर के साथ माइनस है, 2 के साथ माइनस है तो माइनस माइनस यहां पर साइन आएगा प्लस। अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 9 प्लस 2 इज 11, या रफ वर्क में मैं आपके लिए करता हूं, 49 को और 32 को ऐड करना है तो ये आ जाएगा 11 का 1 और 7 और 8। हमारे पास दोनों को ऐड करके डिस्क्रिमिनेंट आया है 81। इस तरह से हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है।